हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव को लेकर नियुक्त जालौर पर्यवेक्षक और लोहावट विधायक कृष्णा राम विशोई की उपस्थिति में बुधवार सुबह 11 बजे राजीव गांधी भवन जालौर में बैठक हुई। इस दौरान विशोई ने कहा कि जालौर जिले की सभी प्रधान सीट और जिला प्रमुख सीट पर कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए एकता का परिचय देना बहुत जरूरी है। जालौर कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और न कभी होगी, इसलिए सभी कार्यकर्ता जी जान से इन चुनावों में जनता की पार्टी कांग्रेस को विजयश्री दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दे। राजस्थान सरकार ने कोरोना काल के संकट समय में बेहतरीन कार्य किया है। किसान, युवा और महिला वर्ग के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ और राहत पहुंचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान मंच पर हस्ताक्षर अभियान के प्रभारी उम्मेद सिंह तंवर, वन मंत्री सुखराम बिश्नोई, कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष समरजीत सिंह, पूर्व मंत्री रतन देवासी, कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल, कांग्रेस प्रत्याशी सवाराम पटेल, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, कांग्रेस नेता उम सिंह चांदराई, प्रोफेसर भरत मेघवाल, जिला प्रवक्ता योगेंद्र सिंह कुंपावत, बैठक में पूर्व प्रधान डॉक्टर शमशेर अली, जिला उपाध्यक्ष सोहन सिंह देवड़ा, वरिष्ठ कांग्रेसी बाग सिंह पुनक, नथु खान, लच्छी राम माली, पूर्व प्रधान देरा राम विशोई, पूर्व प्रधान नरेंद्र विशोई, नगराध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो, डेयरी चेयरमैन राघवेंद्र सिंह देवड़ा, जिला महासचिव शहजाद अली, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष शोभा सुंदेशा, सरोज चौधरी, लीला राजपुरोहित, भाद्रा जून अध्यक्ष लादू राम चौधरी, रानीवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष जय किशन भादु, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष परसाराम ठाका, भीनमाल ब्लॉक अध्यक्ष आसुराम देवासी, पन्ने सिंह पोशाना, आम सिंह परिहार, रमेश सोलंकी, जवाना राम माली, पार्षद बसंत सुतार, लक्ष्मण सांखला, भरत सुतार, राजेंद्र सोलंकी समेत कई लोग उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।